TVMH न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक मिल सके। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल नाजरीन, मैं कविता, आप सबका खैर मकदम है TVMH न्यूज चैनल में। चादरघाट पुलिस हुदूद में यूसुफ का हुआ कत्ल। तफसीलात के मुताबिक यूसुफ की वाइफ का अफेयर अकरम नामी शख्स के साथ चल रहा था और उसने अकरम और यूसुफ के बीच लड़ाई लगा दी और अकरम से कहा कि तुमको यूसुफ से जान का खतरा है, तो अकरम ने यूसुफ का ही कत्ल कर दिया। पुलिस तहकीकात कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि उस लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे सज़ा दी जाए। नाजरीन, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल TVMH न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। के साथ में हमारी बच्ची का चक्कर था। किसके साथ अम्मा? अकरम के साथ। जी, क्या करते थे अकरम? चावला का कारोबार करते। कब? राशन के चावला का। अच्छा, हमारे घर के पास दुकान रहती, वो दुकान से चावल वे लेके जाते। जब जब उनके भी घर करने जाते, जाके उनको धमकियां देते। धमकियां दे के बच्ची, अब हमारे कोई भी नहीं होना, महल्लेदारी है उनका। उनका बाजार नूरखां बाजार में है उनका घर, हमारा घर काली खबर पे है। तो फिर हुआ क्या झगड़ा? ये झगड़ा किस वजह हुआ, क्या है समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने उनको बुला लेके गए कहते अकरम। अच्छा। तीन दिन से हम लोग क्या कर रहे बोले तो अकरम तीन दिन से छुरियाँ पे लेके फिर रहा हुआ, कर रहा बोल के बोल रहे लोग। तो मैं बोली कहीं के लेके फिर रहा कि अपने क्या मानो, एक बच्चा गोरा जैसा लंबा है साथ में। रात में मैं एक बजे रात को भी मैं घर में उन्होंने ढूंढ लेते हैं फिर रहे थे। किसको ढूंढ लेते हैं फिर रहे, मेरे को तो नहीं, ये नहीं होता। तो उसके बाद हमारी बच्ची, मैं पूछी क्या हुआ ये अकरम ऐसा फिर रहा हो ये बोल के, मैं बोली तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे को बोले। अब क्या करें, सुबह में सैफा मस्जिद का नहीं है मामी, मैं बोल तो कई को है यूसुफ, पूछी मैं, पूछे तो नहीं नहीं तुम क्या करना समझते है बोल तो कुछ भी नहीं करना समझी। मैं क्या करती, तुम भी अच्छे रहो, उन भी अच्छे रहते, दोनों भी अच्छे रहो। उसके बाद मैं जो फैसला करना हूँ, मैं माँ हूँ, कोई नहीं करे तो मैं करती हूँ यूसुफ बोली। ठीक है, बाद में हर टाइम इनका चिच्चा बोलता MIM अरशद, MIM का है मैं और एक गोल्डी भाई और असगर रऊफ, ये तीनों को लेके पुलिस स्टेशन को आते। कभी कभी आए तो पुलिस स्टेशन को लेके आते। ये क्या है मानो, हमारे को इनो अरशद मियाँ लेके आते, उन्होंने आते अंदर, ये तीनों चारों को इनो भी जाते वहाँ से, फोन आ करते रऊफ से। इसके कौन होना? अशरत, अरशद अकरम का चिच्चा है। अच्छा। लेके आ गए। क्या होना आपको? मेरे कुछ नहीं होना। अच्छा। मेरे कुछ नहीं होना, मेरे कुछ भी नहीं होना, और मेरे को अब इंसाफ होना, और मैं जो भी है मेरे दामाद को अब जैसा जैसा खत्म करे वैसा मेरे को इंसाफ होना। सैयद यूसुफ है, सेंटरिंग। एक बेटी दो बेटे का ताल्लुकात था, रह के मेरे बेटे ख़त्म करना अकरम का, हमारी बेटी के साथ रह के हमारे बेटे ख़त्म करता हूँ, बेटे कहीं ख़त्म करते हैं बोल के, हमें मेरे भाई को कहीं ख़त्म करती हूँ वो बोल के, ये डर को क्या करते थे उन्होंने, बात करते थे हमारी बेटी, हाँ नहीं बात करे तो गांजा पी लेके आना, गांजा पी लेके आके ड्रग्स लेना, अगर तू नहीं आए तो तेरे भाई को तो ख़त्म करता हूँ, तेरे खलेरे भाइयों को तो भी ख़त्म करता हूँ करता हूँ बोल को मेरा भाई एक सूर्यापेट से आया था, मेरे भाई का बच्चा, उसको भी मारिया नमाज को जाके आते रहे। तो 15 दिन पहले 8 दिन पहले घर के पास आके छुरी निकाल के उनको मारने गए, तो जब भी छमलाओं बचा लिए थे, नहीं करना नहीं करना बोल के पुलिस स्टेशन को जाके, ऐसा नहीं करना आइंदा करे तो तेरे बहुत सजा होती वो ये बोल के मीर चौक वाले बोले। उसके बाद यही हरकत करे अभी, अब हमारे कुछ नहीं होना है, हमारे इंसाफ चाहिए, और उनके अरशद और जो जो MIM के लोग हैं उन जो जो लोग आएंगे हमारे को इंसाफ चाहिए, और उन लोग क्या है बोले तो हमारे MIM है बोल के उन लोग सपोर्ट ले रहे हैं। बात करते मेरे बेटे कुछ भी नहीं कर सकते तुम, बात करते उनका चिच्चा बोलता अरशद मेरे बेटे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, आपका बेटा MIM के ताल्लुक से हमारे को कुछ भी नहीं करते, आज जान चले गई, जान हमारी जैसा गई, उनको क्या करते आप लोग, हमारे इंसाफ होना बस, जो भी है इंसाफ होना। इंसाफ नहीं हुआ मैं कहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक जाती हूँ। कई क्या बोलते इंसाफ होना, गवर्नमेंट
महमूद अली साहब कने जाती हूँ, क्या कमिश्नर साहब कने जाती हूँ। आज आज हमारे घर में हुआ, कल कोई दूसरी औरत के साथ ऐसे कामा नहीं होना। आजकल गलत हरकत कर रहे हैं, औरतों को ऐसा फंसा के ऐसी चीज़ें करके मर्द में उनको ख़त्म कर दे रहे हैं। जो भी है आप लोग हमारी मदद करिए कमिश्नर साहब।